41 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली 205 पर एक तरफा ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस भी ली है। अभी भी मौके पर जेसीबी मशीनें तैनात हैं और जो भी मलबा पहाड़ से आ रहा है उसे साथ साथ में साफ किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भले ही बारिश थम गई हो मगर बीते कुछ दिनों में भारी बारिश ने जो तबाही मचाई है उसका असर अब नेशनल हाईवे और ग्रामीण इलाकों की सड़कों में देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते अब जाम की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि भारी बारिश के चलते NH 205 पर 35 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे प्रशासन व PWD की टीमें मिलकर हाईवे का क्लियर करने में जुटी हुई हैं। वहीं NH पर जाम के चलते पर्यटकों सहित मरीजों और सेब की सप्लाई लेकर जा रहे ट्रकों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 घंटे से जाम में फंसा हुआ हूँ, PGI से आ रहा हूँ मरीज को लेकर, जो कि एक हार्ट पेशेंट भी है, और इतना सारा लैंडस्लाइड हुआ जगह जगह पे, हर 2 किलोमीटर में इतना लैंडस्लाइड है। सिर्फ एक या दो ही JCB हमने देखा है इस रास्ते पे काम करते हुए। दोनों साइड से JCB हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, प्रशासन लगा हुआ है अपनी तरफ से, लेकिन थोड़ा स्लो है प्रोसेस। दूसरी ओर बात करें स्वारघाट से लगते ग्रामीण इलाकों की, तो लैंडस्लाइड के चलते लिंक रोड सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते यहां आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है और लिंक रोड बंद होने के चलते अब गाँव के मरीजों को खाट पर लेटाकर ग्रामीण बड़ी मुश्किल से कंधों पर उठाकर अस्पतालों तक ले जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन व विभाग से जल्द ही इन सड़कों की बहाली की अपील भी की जा रही है। देखो जी, हमारे रोडों का बहुत बुरा हाल है। मैं मझेल से हूँ, ये लड़का पंगा से है। ये कल गिर गया था स्कीटिंग होने के दौरान और इसका जो चूड़ा होता है वो फ्रैक्चर हो गया था। अभी इनको नालागढ़ या देखते हैं कहाँ ले जाते हैं। ठीक है। और हमारे रोडों का बहुत बुरा हाल है, पैदल भी नहीं चल सकते हैं, और जो डिपार्टमेंट है वो तो ना तो कोई सूझबूझ ले रहा है और ना ही कोई नेता हमारे इस इलाके में हालचाल पूछने आया। भाई, हम इस लड़के को हॉस्पिटल नालागढ़ या बिलासपुर के लिए ले जा रहे हैं। जैसा रोड हमारे को उचित लगेगा कि वो ठीक है तो वहाँ लेके जाएंगे। रोडों की हालत बहुत ख़राब है। इस आपात घड़ी में जो है, हम शासन और प्रशासन दोनों के साथ हैं कि इस और सरकार और प्रशासन से हमारी गुहार है कि कृपया जल्दी से जल्दी इन रोडों को खोला जाए। इस संबंध में बिलासपुर ADM विनय दिमान ने बताया कि NH 205 पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसको हटाने के लिए प्रशासन व PWD की टीमें लगी हुई हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द ही NH को बहाल किया जाए। साथ ही लैंडस्लाइड के चलते ग्रामीण इलाकों की 84 सड़कें प्रभावित हुई है, जिससे वाहन आवाजाही भी प्रभावित हुई है, जिसके बाद अब केवल 11 ही सड़कें हैं जो बंद हैं। उन पर जल्द काम शुरू किया गया है और जल्द काम शुरू कर इनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 205 पे काफ़ी ज़्यादा स्लाइड था और अब जो है वो हमारा ऑलमोस्ट सारा जो NH है वो डबल लेन हो रहा है। सिर्फ थोड़े पॉइंट्स हैं जिस पे अभी जो स्लाइड आया है अभी लेटेस्ट, उसमें मशीनरी काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि शाम तक वो पॉइंट्स भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे और ये हाईवे जो है वो डबल लेन हो जाएगा। 84 टोटल जो लिंक रोड्स थे वो डिस्टर्ब थे, उसमें से सिर्फ 11 लिंक रोड जो है वो अभी बचे हैं खोलने के लिए, बाकी सारे खोल दिए गए हैं। कल तक जो है वो ये सारे लिंक रोड्स जो है वो ओपन कर दिए जाएंगे।